सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, ट्रिप गोकू के पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे बीरस और विश ग्रैंड ब्रिज पर हमला करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन प्लान में थोड़ा ट्विस्ट हो जाता है और ग्रैंड ब्रिज बुरी तरह से फंस जाता है। अब गार्ड्स ग्रैंड ब्रिज को खत्म करने के लिए जाते हैं, तो देखना यह है कि आगे क्या होने वाला है। बट उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप तक रोज वीडियो पहुंचती रहे, और अपने कमेंट्स भी जरूर करना ताकि आपकी बात मुझ तक पहुंच जाए। लेकिन गाइस, कम से कम 100 कमेंट्स तो जरूर करना। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गार्ड से और वो कहते हैं, पीछे हटो, इसे हम देख लेंगे। तभी वेजिटा कहता है, नहीं देखिए गार्ड्स, हमने काम कर दिया है, प्लीज आप कुछ मत करिए। तभी गार्ड्स गुस्से में कहते हैं, हटो सामने से वरना तुम भी मारे जाओगे। तभी ब्रोली गुस्से में कहता है, तुम्हें समझ में नहीं आता कि हमें इस पर वार नहीं करना है। और तभी गार्ड्स कहते हैं, हम तुम्हें बोल रहे हैं कि पीछे हटो नहीं तो मारे जाओगे। ब्रोली कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं हटूंगा। और तभी एक गार्ड ब्रोली के पंच मार देता है जिससे ब्रोली काफी दूर जाकर गिरता है। वेजिटा ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, गार्ड्स तुम लोग ये क्या कर रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो। अब ग्रैंड ब्रिस्ट मन में कहते हैं, बस एक अटैक, एक बार बस एक अटैक मुझ पर हो जाए, फिर मैं आजाद हो जाऊंगा और फिर मैं इन सभी को चीर के रख दूंगा। गार्ड्स कहते हैं, क्या तुम भी चाहते हो कि हम तुम्हारा हाल भी तुम्हारे दोस्त की तरह कर दें। वेजिटा गुस्सा हो जाता है और कहता है, हे तुम दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर हमला नहीं करना, बेवकूफो। तभी एक गार्ड कहता है, रुको ब्रदर, शायद हमें इसकी बात सुन लेना चाहिए। दूसरा गार्ड कहता है, कहो क्या कहना है तुम्हें। वेजिटा कहता है, हमने प्रिस्ट को अभी के लिए सुन कर दिया है, इसलिए वो इतनी देर से ऐसे ही पड़ा रहेगा, मगर हम इस पर हमला या इसे टच भी कर देते हैं तो इसकी बॉडी रिएक्ट करने लगेगी, जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। गार्ड्स कहते हैं, ओ अब हमें समझ में आया, अब हमें पता चला कि ये प्रिस्ट यहाँ इस तरह से क्यों पड़ा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तेरी की अब लगता है कि मैं ऐसे ही रहूंगा। तभी एक गार्ड कहता है, अगर हम इस पर अपना स्पेशल अटैक यूज करें तो शायद बात बन जाए। वेजिटा शॉक होता है और कहता है, आप दोनों कौन से अटैक की बात कर रहे हो। गार्ड बोलता है, अगर हम इस पर अपना स्पेशल अटैक यूज करें तो ये यहीं पर मारा जाएगा। वेजिटा कहता है, क्या ऐसा हो सकता है। गार्ड्स कहते हैं, हाँ ये पॉसिबल है। वेजिटा कहता है, नहीं मैं ये सबको सपोर्ट नहीं करता हूँ, प्लीज आप ऐसा मत करिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये वेजिटा बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बन रहा है, सबसे पहले तो इसे ही मारना चाहिए। एक गार्ड कहता है, मुझे लग रहा है कि हमें इसे मार देना चाहिए। वेजिटा कहता है, प्लीज आप दोनों ऐसा मत करिए। दूसरा गार्ड कहता है, अच्छा तुम ही बताओ कि अब इससे आगे क्या होगा, तुम अब क्या करोगे। वेजिटा अब कुछ बोल नहीं पाता। वेजिटा मन में कहता है, अब मैं इन्हें क्या कहूँ, अगर मैं कुछ कहूँगा तो इनके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। इसके बाद गार्ड्स बोलते हैं, वेजिटा हमें लगता है कि हमें ये ट्राई करना चाहिए। वेजिटा अब गार्ड से कहता है, देखो तुम लोगों को समझाना मेरे बस की बात नहीं है, तुम्हें जो करना है वो करो। ग्रैंड ब्रिस्ट अब मन में खुश हो जाते हैं। तभी गार्ड्स रेडी हो जाते हैं अपने स्पेशल अटैक के लिए, लेकिन ग्रैंड ब्रिस्ट को ये मालूम नहीं होता कि गार्ड कौन सा हमला करने वाला है। ग्रैंड ब्रिस्ट अब मन में शोक भी होता है और बोलता है, ओह नो, ये कौन सा हमला करने जा रहे हैं, लगता है कि ये लोग मुझे मार कर ही रहेंगे। और अब दोनों गार्ड्स मिलकर अपना स्पेशल अटैक ग्रैंड ब्रिस्ट के मार देते हैं, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। ग्रैंड ब्रिस्ट अब वहां पर नजर नहीं आता। वेजिटा काफी ज्यादा हैरान हो रखा है और वो कहता है, ये ग्रैंड ब्रिस्ट कहां गया। गार्ड्स कहते हैं, वो मर गया वेजिटा। वेजिटा पूछता है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो इतनी जल्दी मर गए। गार्ड्स कहते हैं, क्या तुम्हें हमारी काबिलियत पर शक है। लेकिन तभी वहां पर आ जाता है डीमन किंग माची का बुरा और वो कहता है, जैनो के गार्ड्स, उसने एकदम सही कहा,
ग्रैंड प्रिस्ट इतनी आसानी से नहीं मर सकते हैं। वेजिटा अब शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, अब ये कौन है? माची गाबुरा कहता है, अब होगी यहाँ पर तबाही तबाही। और तभी अचानक से ग्रैंड प्रिस्ट गार्ड पर हमला कर देते हैं और दोनों गार्ड वहीं पर मारे जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मुझे मारने चले थे। डीमन किंग बोलता है, आपको तो ये लोग सपने में भी नहीं मार सकते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट डीमन किंग को शुक्रिया कहता है। वेजिटा गुस्से में आ जाता है और कहता है, जिसका डर था वही हुआ, अब सब खत्म हो गया है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो अभी भी प्रे में लगा हुआ है। सीलस कहता है, गोकू कब से आपकी प्रे कर रहा है, आप उसकी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? लॉर्ड एमा कहता है, सीलस खाली प्रे करने से अगर सब कुछ हो जाता तो सब यही करते, कोई भी अपने हक के लिए फाइट ही नहीं करते। मैं तो उसकी सुनता हूँ जो प्रे के साथ हार्ड वर्क भी करता है, लेकिन यहाँ तो गोकू ने सीधे सीधे प्रे करना शुरू कर दिया है, उसने फाइट बिल्कुल भी नहीं की। सीलस कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सब मारे जाएंगे। इसके बाद सीन जाता है विश पर और वो बोलता है, लॉर्ड जालमा ये सब करके हमारा बस टाइम ही वेस्ट हो रहा है। जालमा कहता है, पता नहीं आज क्या हुआ जो लॉर्ड एमा हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। तभी लॉर्ड जालमा अचानक से शॉक हो जाते हैं और वो कहता है, ओ नो, प्रिस्ट आजाद हो गया है, वेजिटा और ब्रोली अब खतरे में है। ये सुनकर तो बीरस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये कैसे हुआ? और तभी गोकू अपने ध्यान से हट जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। गोकू कहता है, बस बहुत हुआ, मैं जा रहा हूँ उससे लड़ने और मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद गोकू वहां से चले जाता है। विश कहता है, जालमा आपके पास फादर को रोकने की और कोई एबिलिटी है? जालमा कहता है, नहीं विश, अब हम उसे नहीं रोक पाएंगे, उसके पास सारी पावर्स वापस आ गई है। बीर सब डर के मारे पूछता है, जालमा अगर आप उन सुपर ड्रैगन बॉल्स को वापस से बना दो तो क्या सुपर जनरल को वापस लाया जा सकता है? जालमा कहता है, ऐसा हो सकता है बट इसमें टाइम लगेगा। विश कहता है, तो फिर आप वो काम शुरू कर दीजिए, हम तब तक फादर को रोकते हैं। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो जख्मी हालत में हो रखा है, लेकिन तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है। डीमन किंग गोकू को देखकर कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर एक और मच्छर आ चुका है। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को देखकर कहते हैं, ओ मेरे स्टूडेंट अकुमो। गोकू कहता है, अब हमें खुल के फाइट करने का मौका मिलेगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, खुल के फाइट करने के लिए तुम्हारे पास है क्या? गोकू कहता है, चलो मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास है क्या। और अब गोकू अपनी अल्ट्रॉन स्टिंग में आ जाता है और कहता है, मैं अपने दोस्तों को ऐसे नहीं मरने दूंगा। और तभी गोकू एक पंच ग्रैंड प्रिस्ट के मारने जाता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट उसे बिना टच किए ही पीछे धकेल देते हैं। डीमन किंग को ये देखकर काफी मजा आ रहा होता है। तभी गोकू अपना कामेहामेहा चार्ज करता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम इस टुच्चे अटैक से मुझ पर वार करोगे? गोकू कहता है, ये अटैक तुम्हारे लिए नहीं है। और तभी गोकू माची काबुरा पर कामेहामेहा मार देता है, जिससे डीमन किंग को बहुत ही ज्यादा डैमेज मिल जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, ये कैसी चाल थी? गोकू कहता है, वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। अब वेजिटा भी उठ जाता है और वो कहता है, कैकरोट मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। तभी ब्रोली भी उठ जाता है और कहता है, चलो इसे उसी टेक्निक से खत्म करते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट अब स्माइल कर रहे होते हैं।